हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा के गोल्ड ईटीएफ के बारे में। और कई लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इस गिरावट में, इस ईटीएफ में अभी के टाइम में निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं। और कुछ लोग को इसके चार्ट को लेकर के भी इशू है, वो क्या इशू है, कितने परसेंट की गिरावट है उसको लेकर के भी इशू है। तो चलिए सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ें समझ लेते हैं। तो जैसा कि यह है टाटा का गोल्ड ETF, और सबसे पहले जो लोग को इशू आ रहा है इस ETF में, वो इसकी गिरावट को लेकर के आ रहा है। जनरली लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस ETF में कितनी गिरावट है। देखिए, जो लोग भी गिरावट इसमें चेक कर रहे हैं वो 1 नवंबर से चेक कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप 1 नवंबर से गिरावट चेक करेंगे तो 6.72% की एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में गोल्ड में इतनी गिरावट नहीं है। क्योंकि इसका जो हाई लगा था, अगर आप इसके मेन ETF को एनालाइज करेंगे और उसकी हेल्प लेंगे गिरावट चेक करने के लिए, तो ये है निपॉन इंडिया का गोल्ड ETF, जो कि गोल्ड का सबसे मेन ETF है। और यहाँ पर अगर आप बीते एक महीने के हाई से चेक करेंगे, जो कि जब गोल्ड लाइफ हाई जिसने लगाया था जिस दिन, वो 30 अक्टूबर की डेट थी, और जो हाई लगा था वो 67.02 का था। तो खैर, प्राइस को भूल जाइए, आप ये ध्यान दीजिए कि 30 अक्टूबर को गोल्ड में हाई लगता हुआ देखने को मिला था। तो आपको जो भी गिरावट चेक करनी है वो आप 30 अक्टूबर से चेक करिए। तो चलिए देख लेते हैं 30 अक्टूबर से कितनी गिरावट है। तो 30 अक्टूबर को जो गोल्ड, ये जो टाटा गोल्ड ETF है, इसका प्राइस था 7.85 रुपीज़। तो यही इसका लाइफ हाई मान के चलिए। और आपको जो भी गिरावट देखनी है वो आप 30 अक्टूबर से ही देखिए। तो 30 अक्टूबर से आप गिरावट देखेंगे तो यहाँ पर 2.68% की ही गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 2.75% की गिरावट है। तो एक्चुअल में इतनी ही गोल्ड में गिरावट है। तो जो लोग यहाँ से देख रहे हैं 1 नवंबर से, वो देखिए, वो मत देखिए। क्योंकि देखिए, जैसा कि हमने आपके साथ पास्ट में भी ये चीज़ें शेयर की थी कि जिस दिन दिवाली का दिन था, जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उस दिन ये जो टाटा गोल्ड का ETF है वो काफ़ी तेज़ी दिखाया था। एक्चुअल में गोल्ड में उस दिन तेज़ी नहीं थी, पर क्योंकि हाई इनफ्लो आ गया था टाटा गोल्ड ETF में, और इस वजह से यहाँ पर इसके प्राइस में उछाल आ गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया था। और एक्चुअल में यहाँ पर 1 नवंबर को गोल्ड में कुछ खास तेज़ी थी नहीं, बल्कि लाल निशान में ही बंद हुआ था 1 नवंबर के दिन। देख सकते हैं, यह है गोल्ड बीस ETF। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर के दिन लगभग 0.5% की गिरावट के साथ गोल्ड बंद हुआ था। तो ये जो तेज़ी दिखा रहा है टाटा गोल्ड, ये उतनी तेज़ी थी नहीं। और हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि ये जो तेज़ी है वो गलत है, और हमने ये भी कहा था कि अगले दिन ये प्राइस इसका एडजस्ट हो जाएगा। और देखिए, अगले दिन ये गिर भी गया था, देख सकते हैं यहाँ से। फिर अगले दिन जो मार्केट खुला था, अगला ट्रेडिंग सेशन, वहाँ पर 5.5% का करेक्शन भी आ गया था, जो कि जिससे पता चल रहा है कि ये काफ़ी बढ़ गया था वॉल्यूम के चलते, हाई वॉल्यूम के चलते। तो जिस वजह से अगर आप इसमें गिरावट चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में कितनी गिरावट है, तो आप 30 अक्टूबर से चेक करिए, जो कि देखेंगे तो काफ़ी कम गिरावट है। और गोल्ड में कुछ खास अभी गिरावट हुई नहीं है, जो कि लगभग 2.75% की गिरावट है। तो जो लोग भी अभी के टाइम पे इस ETF में निवेश करना चाहते हैं, तो आप जैसे कि समझ चुके हैं कि इतनी गिरावट नहीं है, मात्र 2.75% के आसपास की गिरावट है, तो थोड़ा सा अभी आप और गिरावट का वेट कर सकते हैं। और देखिए, बीते एक महीने में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में रिटर्न भी आ चुके हैं, और काफ़ी तेज़ी भी आई है बीते एक साल में। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा आप और गिरने का वेट कर सकते हैं, अगर आप यहाँ फ्रेश निवेश करना चाहते हैं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इस ETF में। और लगभग 5% ये 30 अक्टूबर वाले प्राइस से गिर जाता है, यानी 7.85 रुपये के प्राइस से अगर ये लगभग 5% गिर जाता है या उससे ज़्यादा गिर जाता है, तब आप यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट की और उम्मीद है आने वाले समय में। और यहाँ पर अभी फेस्टिव सीज़न के चलते, और ग्लोबल में जो यहाँ पर काफ़ी इनफ्लोज आया है गोल्ड ETF में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो बीते 1-2 महीनों में काफ़ी गोल्ड में इनफ्लोज बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते गोल्ड में काफ़ी तेज़ी भी आती हुई देखने को मिली है, और बीते एक साल का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहा है गोल्ड का। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा बहुत और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो वो आपके लिए बेटर चॉइस होगी। और वहाँ पर अगर आप अपनी पोजिशन बनाएंगे तो वहाँ पर एक अच्छा पिक होगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीते 1-1.5 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, और जिसके चलते लोगों ने इक्विटी से पैसा निकाल करके गोल्ड जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है, जिसके चलते गोल्ड में तेज़ी भी दिखी है। और इन फ्यूचर आने वाले समय में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में तेज़ी वापस आती है, तो वापस से देखिए गोल्ड से पैसा निकाल करके इक्विटीज़ में वापस आएगा, तो जिसके चलते गोल्ड में आने वाले समय में गिरावट हो सकती है इन केस इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकवरी वापस आती है तो। और साथ ही साथ USA में भी अब देखिए, जैसे कि चुनावी नतीजे आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो मार्केट को भी अच्छी लग रही हैं, और जिसके चलते
अब यूएसए के बाजार भी लोग वहाँ पर अपना बुलिश व्यू बना रहे हैं, तो जिसके चलते वापस से अब हो सकता है कि गोल्ड से पैसा निकल करके यूएसए इक्विटीज़ मार्केट में लगता हुआ देखने को मिले। और डेटा भी यही बता रहा है कि यूएसए के जो ईटीएफ्स हैं, गोल्ड वाले ईटीएफ, वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लोज बढ़ा है बीते कुछ महीनों में। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि बता रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है गिरावट में, गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। पर देखिए, मार्केट में कोई भी चीज़ 100% प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है, और जनरली मार्केट सरप्राइज़ भी करता है, तो आप अपने तरफ से भी काम कर सकते हैं। ये खैर हमारा व्यू था, तो अभी के टाइम में थोड़ा सा आप और गिरावट का वेट कर सकते हैं। बाकी देखिए, एक क्वेश्चन लोग का और भी आता है कि ये ETF के बारे में, जो टाटा का गोल्ड ETF है, उनका कहना ये रहता है कि लगभग 6 महीने से ये ETF एक ही प्राइस के आसपास घूमता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये 7 रुपये है। तो देखिए, हम उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे, देखिए क्योंकि ये ETF का प्राइस काफ़ी कम है, और ये ऐसा ETF है जो कि जितने भी मार्केट में ETF लिस्टेड है ना, ये सबसे सस्ता ETF है मार्केट में। इससे कम प्राइस में आपको कोई भी ETF देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ETF का प्राइस कम है, तो जिस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न बनता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इसके प्राइस में काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ से अगर 10% भी गोल्ड बढ़ जाता है तो यहाँ पर प्राइस में आपको सिर्फ 70 पैसे का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 रुपये का 10% 70 पैसे के ही आसपास होता है। तो जिस वजह से यहाँ पर प्राइस में काफ़ी कम रिफ्लेक्शन आता है। और देखिए, आप प्राइस को मत देखिए, आप रिटर्न को देखिए। बीते 6 महीने में लगभग 5% के रिटर्न है, और गोल्ड के हिसाब से ठीक है। हम गोल्ड में जनरली 12-13% के रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलते हैं एक साल में, जो कि लगभग 6 महीने में 5% के रिटर्न आ गए हैं। अभी थोड़ा सा गिरावट भी है, तो ठीक ठाक है। और देखिए, क्योंकि प्राइस कम है इसलिए रिटर्न यहाँ पर कम दिखते हैं प्राइस में। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी तो अगर आप अभी इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और गिरावट का वेट कर सकते हैं। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे इस ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।